हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम सभी यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं। और मुझे पता है कि आप यही बोलोगे कि काफी दिनों बाद में वीडियो आई है ना। तो अभी मैं इसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकती कि वीडियो इतना लेट क्यों आया है, क्योंकि आजकल है ना, इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह बनाते हैं तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, और सिलाई वगैरह भी कुछ ज़्यादा ही रहती है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और बीच में मेरा फ़ोन वगैरह भी ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मैं वीडियो इतने दिन नहीं डाल पाई। और बीच में मेरा चैनल, मैंने बोला था ना कि डीमोनेटाइज हो गया था, क्योंकि उसमें कुछ वीडियो कॉपीराइट आ गई थी मेरी, तो उस वजह से उसमें डॉलर वगैरह सब सीन होना बंद हो गया था। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं नहीं बनाऊंगी अभी वीडियो, इसीलिए मैंने बनाया नहीं था। अभी सब कुछ ठीक हो गया, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। और आप देख सकते हैं अभी हमारे यहाँ पे फसल कितनी बड़ी हो गई। ये है ना, मक्की की फसल है अभी, ये जो सामने दिख रही है ना, तो ये घर के पास, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये पूरे खेत वगैरह है, तो इन्हीं के पास हमारा घर है। ये जस्ट पास वाला सीन है ये वाला। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि अंदर है ना लाइटें नहीं है। आजकल दिन में बहुत ज्यादा लाइटें काट रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्या, आजकल है ना लाइटें सच में बहुत काट रहे हैं। तो रात में नहीं काटते हैं, पर दिन में बहुत ज्यादा लाइटें कट रही है, तो इस वजह से अंदर गर्मी लग रही थी तो हम लोग इधर बाहर आके बैठ गए। अभी बस यहाँ पे कॉफी वगैरह पिए। आज सिर दर्द तो काफी हो रहा था क्योंकि आज बच्चों के पीटीएम थी, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, और पता नहीं वहाँ गए थे पर वापस आना जाना ऐसा हो जाता ना कि हर रोज घर पे रहते और कभी निकल के कभी मार्केट भी जाते हैं ना, तो एकदम सिर दर्द होने लग जाता है पूरा, तो बस वही हो रहा था। आज मैंने सिलाई वगैरह भी कुछ नहीं किया था, इसीलिए मैंने सोचा कि बस आज छोटी सी क्लिप अभी बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं जब मैंने कंटिन्यू वीडियो डाल रही थी मैं, तब बिल्कुल यहाँ पे सूखा सूखा पूरा कैसा लग रहा था, मतलब बारिश बारिश नहीं थी ना, तो कुछ भी हरियाली नहीं थी। और आज ये वीडियो डाल रही हूँ तो अब देख सकते हैं चारों तरफ में एकदम ग्रीनरी छाई हुई है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है शाम के टाइम में हम लोग देखते हैं ना। और सुबह सुबह में ये ऐसा लगता है ना कि हर वक्त अगर ये सीजन हो तो बहुत अच्छा लगता है। और रही बात बारिश की, तो बारिश कंटिन्यू चली तो रही है पर इतनी अच्छी बारिश नहीं है, इतनी अच्छी मतलब बारिश नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। जैसे तालाब वगैरह वो भर जाते हैं ना, तो गेहूं की फसल की थोड़ी सी आज आस लग जाती है कि हाँ अब गेहूं की फसल होगी, पर ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा पानी नहीं हुआ है अभी, तो देखते हैं क्या करते हैं। पिछली बार के जैसे तालाब में ही गेहूं की बुवाई करनी पड़ेगी, तालाब में तो हो जाएगा। बाकी तो आप बताना कैसे हो आप। और कंटिन्यू मेरी मतलब रील्स तो इंस्टाग्राम पे कंटिन्यू आ रही है, तो है ना, आप अगर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे नहीं हो तो प्लीज़ आप जाएं और राजस्थानी ब्लॉगर पुष्पा नाम से मेरी आईडी है, वहाँ जाकर मेरी रील्स देखें आप और फॉलो ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं आपको है ना फिर छत पे जाऊंगी तो वहाँ का व्यू भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ऊपर जाके बहुत अच्छा लगेगा आपको, एकदम फीलिंग बहुत अच्छी आने वाली है, तो आप देखना जरूर। अभी मैं मेरी वीडियो को यहीं पे रोक रही हूँ, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। पूछ लेंगे कि दो गिलास बन रही है किसके लिए बन रही है, कमेंट
थोड़ा सा पुदीना लेके आई चटनी के लिए, और ये तोरई थी जो तोड़ के लेके आई, इसको धो लेती हूँ। खेत में वो निकालते हैं ना तो यहाँ पर पूरी खुजली बहुत होती है, तो अच्छा नहीं लगता है। ऊपर का ये कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पे क्या ऊपर आते हैं ना तो थोड़ी सी वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सब तरफ में रहते हैं ना तो घूंघट का रहता है, इतना सा करके पूरा वो गर्मी गर्मी हो गई। और यहाँ पे मैं आपको अभी है ना ऊपर का वो बताती हूँ, अभी भी थोड़ी धूप है, शाम का टाइम ही है पर अभी ऊपर थोड़ी धूप है। ओके, चारों तरफ का मैं सीन बता देती हूँ आपको। देखिए ये देखिए, पहले था ना ये छत पे देखिए पूरा है ना कंटिन्यू, अभी 3-4 दिन बारिश थी ना तो इस वजह से पूरा ये काला काला हो गया। बाकी ये देखिए क्या मस्त सीन है। देखो एक टाइम था जो यहाँ पे है ना पूरा सूना सूना एकदम उजाड़ लग रहा था, और अब देखिए आप नीचे खेत में कोई काम कर रहे हैं। ये देखिए 2 दिन से ना अभी मौसम साफ है, तो भी थोड़े थोड़े से बादल हैं, और ये ऊपर आ गए। वो मैं तोरई तोड़ रही थी ना तो उसका वाले बेल देख ऊपर आ गई। यहाँ पे लौकी की भी आती है पर अब की बार है ना लौकी की नहीं आई है। ये देखिए नीचे, और फ्लावर कितने अच्छे आए हैं वो देखिए, शाम के टाइम में इतने सारे फ्लावर आ जाते हैं, और रात में चिटिया खा जाती है, सुबह सुबह कुछ नहीं रहता, कुछ होते हैं उसमें से ये तोरई वगैरह लगती हैं। बाकी ये नीचे से देखिए आप, अभी मैं यहीं से मैं नीचे काम करके आ गई हूँ, अभी लगभग काम पूरा हो गया, अभी खाना वगैरह का रह गया, और बाकी गाय वगैरह आएगी ना तो उसका फिर शाम के टाइम में उनको धुआं वगैरह करना पड़ता है गाय वगैरह उनके, क्योंकि है ना अभी शाम के टाइम में मच्छर बहुत आते हैं गाय के वहाँ पर, तो अभी शाम को वो आएगी तो लास्ट काम बस वही है धुआं वगैरह करना गाय के और इनके, और नीम के पत्ते वगैरह डाल के और सूखी घास भूस थोड़ा सा डाल के फिर आग नहीं जलने देते हैं और धुआं करते हैं, इससे कि है ना वो कड़वे कड़वे धुआं हो जाते हैं तो मच्छर नहीं आते हैं। आप देखिए क्या मस्त सीन है, और वो सामने जो दिख रहा है ना ये वाला देखिए, ये दीदी का घर है, सुशीला दीदी का घर है, यहाँ पर मेरे से बड़ी वाली सिस्टर है ना उनका है, तो अभी वो यहाँ पर नहीं है। दीदी मैं थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ, ये रहा। बाकी वो पहाड़ी देखिए आप, धूप की किरणें आ रही है ना तो अभी इतना आपको क्लियरली उस साइड से नहीं दिखेगा, नीचे कोई काम कर रहे हैं अभी। बात रहा है।
तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ना, दुआ वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। और यशोदा है ना, लंपी डिसीज वाली बीमारी चल रही है ना, तो अभी यशोदा में हो रही है वो वाली है ना, यशोदा में अभी वो वाला हो रहा था। उसमें ना पहले छोटे छोटे घाटे की जैसे हो गए थे और दाने उसके फूट गए थे, तो उसका हो गया मतलब ऐसे। अभी तो ठीक है पर राजस्थान में कुछ ज़्यादा ही फैल रही है बीमारी गायों में। तो बाकी जिससे नहीं हो रहा था उनके तो हम लोगों ने टीके लगवा दिए थे। और मेरा ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अपनी वीडियो को अभी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।